बाबा एक ढोंगी आदमी है। जो बाबा है इतनी कत्ते मेरे संग में, तो इतनी दुर्घटना काय को आती मेरे साथ में। हमने सिकंदराबाद में देखा तो मतलब एक एक बेड पे तीन तीन बॉडी पड़ी हैं। अब हमारे लिए तो दुख है, और जो कह रहे हैं उनके लिए राजनीति, उनके मर जाए वो करवा ले। अरे सर, सर ज्यादा मरी हैं, आपको क्या पता। हम स्थानीय जगह पे हॉस्पिटलों में गए, हमने लाशें देखी हैं अपनी इन आँखों से। देखिए, जो राहुल गांधी जी आए थे उसका उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस दुख की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया। केवल पूरी CSC हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर था, और उसमें ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल एक दो ही सिलेंडर थे। लेकिन मुझे ऐसे ढोंगी बाबा पे बिल्कुल भरोसा ना पहले था ना अब है। ಅವಘಡ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನ ಪಿಲಾಕ್ನಾದ ಜನತೆಯನ್ನ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. July 2 ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂರಜ್ ಪಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯು ಮಾರಣ ಹೋಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ್ತುಳಿತವು 112 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 123 ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಲ್ಲಿ 3 ಮಗು ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದುರಂತದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಲಾಕ್ನಾಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದ ದುಃಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಂತಿತ್ತು. ನಾವು ಭೋಲೆ ಬಾಬಾರನ್ನ ದೇವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कत्ते मेरे संग में, तो इतनी दुर्घटना काय को आती मेरे साथ में। हाँ, पहले मानते, अब कुछ नहीं। वो प्रशासन था उसको कुछ नहीं था वहाँ पर, मैंने देखा था वहाँ पर। मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, मैं एटा काम करता हूँ, तो उसमें वहाँ पर प्रशासन कुछ भी नहीं था, उसमें लाल वर्दी वाले ज़्यादा थे बाबा के कर्मचारी। जब कोई अपने आप को भगवान मान रहे हैं, हम उन्हें एक जीते जाते जागते इंसान को, तो हम उसकी फ़ोटो क्यों नहीं खींच सकते? ऐसा क्या है जो फ़ोटो नहीं खींचने देने? जबकि शिव जी हैं, पार्वती हैं, विष्णु जी, इन सब की भी तो फोटो रखते हैं, खींचते हैं। प्रॉब्लम क्या है इन्हें? कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी जो वो अपने आप को फोटो खींचने नहीं देते थे। तो यही सब है। और जैसे मेरे देवर जी ने बताया कि कहा गया कि करंट आ रहा है कि बिजली, जब वहाँ कुछ लोहे की चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो करंट आ किस में रहा था? मुझे पूरी तरीके से ये लगता है कि बाबा का षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। जब हमारे साथ कोई मदद, उनकी सेवा हम 8-7 से कर रहे थे, और बाबा ने हमारे साथ कोई मदद नहीं की, तो क्या मानेंगे? बाबा को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि आप भक्तों को अपने बच्चे समझते थे, आपके बच्चे जब तकलीफ में थे तब आप कहाँ थे, कहाँ चिपकर बैठे थे? मगर उसने, बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको अपनी फौज पे भरोसा था। जब हमारे घर से ही चली गई, बाबा की कोई मदद नहीं मिली, कोई शक्ति नहीं मिली, और चली गई बाबा के दर पे ही मिली, मतलब गई बाबा के पास से, तो बाबा कुछ तो दिखाते अगर शक्ति है तो। अब बता बाबा, तो हम क्या कह सकते हैं? बाबा बाबा कभी किसी पाखंडी ने देखा होगा बेटा, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने बाबा को कभी एक कौड़ी किसी से मांगता नहीं देखा, किसी से एक चौड़ी का कौड़ी का कोई चढ़ावा मैंने नहीं देखा, किसी फैमिली ने मेरी ने नहीं। तो मैं कैसे कह दूंगा बाबा ढोंगी, आप बताइए बेटा। अपनी वर्दी वालों को अपने लोगों को रखती थी, पुलिस को क्यों नहीं? ना मीडिया आना चाहिए, मीडिया भी जो भी एक भी मीडिया वाले थे वो उनके ही थे, बाकी कोई नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? कुछ तो घोटाला कर रहे हैं ना, तभी पब्लिक नहीं देख सकती, वीडियो नहीं बना सकती, फोटो नहीं खींच सकती। कुछ डर होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो क्लियर ना हो सके। अब जब बाप सह के बाबा ने नहीं देखे, तो हम अब कहाँ हैं बाबा के? कुछ नहीं, बाबा चाहे मैं जाने मर जाए, चाहे कुछ भी हो बाबा के साथ, हमें कोई मतलब नहीं।
ಜುಲೈ 5ರಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ರಾಹುಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಯ್ತೆ ಉನ್ನೊನೆ ಜೊ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಜೋ ಆಪ್ಕಿ ಮದತ್ ಹೋಗಿ ವೋ ಹಮ್ ಆಪ್ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕೋ ಜೊ ಸಂಸದ್ ಮೇ ಉಠಾಯೆಂಗೆ. हमने उनसे एक मांग की थी कि ऐसा जो हुआ है शायद हमारे परिवार जो उजड़े हैं वो शायद आगे ना उजड़ें, इसके लिए आप जो आवाज़ को संसद में उठाएं और इतनी बड़ी भीड़ के लिए कभी परमिशन नहीं दी जाए. देखा मतलब वैसे कभी नहीं देखा आमने सामने फोटो में टीवी टेलीविज़न पे जब देखा या न्यूज़ वगैरह पर आमने सामने जीवन में पहली बार बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने में उनसे उनके आमने सामने बैठने में. हाँ वो तो सब तरह की हम तो कह नहीं दे जब हमारे घर पे मौत हुई है भाई साहब मुझे हमारे घर पे कोई मिलने आया है तो हमें उसी की तो कहेंगे भाई आदमी सही है बढ़िया है कि हमारे घर पर मदद करने आया हमारा कुल दिल साधने को आया है तो उसकी हम इस बात को तो हम कह नहीं पाएंगे. हमारे सामने कोई राजनीति की या वोट की कोई बात नहीं की है. राजनीति तो कोई की नहीं है उन्होंने कैसे भी न कह रहे थे कि बेटा संभाल के रहना बस. आपने क्या बोला उन्होंने की थी ठीक है. मैंने कहा तो वो बोल रहे ना उनकी जान जवान तो बहुत मच जाए जो बोल रहे कहाँ है और उन्होंने कोई एक ही बेटा हो छोटा हो बड़ा हो वो मच जाए तो वो अपने घर में राजनीति करवा रहे वो ही तो मैं कह रही हूँ दुनिया हमसे बुरा और कह रही है. ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೋಲೆಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಭಯಾನಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದುರಂತದ ದಿನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ कि जो परमिशन के नाम पे एक धब्बा है जो सिर्फ खुद के कमांडोज होना चाहिए वो गुलाबी वर्दी वाले खुद के होनी चाहिए जबकि उनसे कुछ नहीं संभलता तो उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी. क्यों परमिशन नहीं देते हैं जब 80 लोगों की परमिशन थी तो उसमें पुलिस वाले ज़्यादा होनी चाहिए ना. जैसे मेरे देवर ने बताया वो बिल्कुल सच बात है कि वहाँ पर पुलिस वाकई में नहीं थी. मैंने भी बस एक ही गाड़ी देखी थी वहाँ की जो DM साहब DM से जब मेरी कुछ बात हो रही थी तो वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरा गलीमान पकड़ के खींच दिया था इसी मामले में. हाँ ये घटना सिकंदरा राव की है. जब हमारी माता जी ख़त्म हो गई तो मैंने देखा था. मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत लोग जो है पड़े हैं मुझसे चक रहे हैं बिना ऑक्सीजन के. वहाँ पर केवल पूरी CSC हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर था और उसमें ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी केवल एक दो ही सिलेंडर थे. हमने सिकंदरा राव में देखा तो मतलब एक एक बेड पे तीन तीन बॉडी पड़ी हैं. एक एक ब्रेंच पे वो छोटी सी ब्रेंच होती है 1.5 फीट की 1.25 फीट की उस पर दो दो लाशें पड़ी हैं. एक का सिर ऐसे हैं और तो एक का सिर ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं. बेडों पर तीन तीन बॉडी पड़ी हैं बिल्कुल जगह नहीं और जब अंदर जगह नहीं है तो बाहर मतलब हॉस्पिटल के बाहर जो चौक होता है उसमें मतलब उसके बाहर चौक में अभी निरी लाशें पड़ी हैं. अरे सर अब तो हम टूट गए सब. हम चार भाई हैं तीन बहन हैं तीनों चारों बहू वो हाल है. परसों जब से माँ ख़त्म हुई है आई थी अनुमति ली थी 80,000 लोगों की वहाँ पहुँच गई 2.5 लाख पब्लिक तो उसको प्रशासन को बोलना चाहिए था कि पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है कुछ सिक्योरिटी दे. पुलिस वालों को बुलाना चाहिए था फायर ब्रिगेड बुलाना चाहिए था. सिक्योरिटी आती तो पब्लिक इतनी भगदड़ नहीं होती जितनी पब्लिक की मृत्यु हुई है मृतक मौत हुई है इतनी ना होती कुछ कम रह जाती. सोचते हैं सर दिल दहल जाता है कि कितनी दर्दनाक मौत हुई है उनकी. कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने हमारे हाथ पे भी किसी का पैर लग जाए तो कितना दुख होता है और उनको तो पैरों से कुचल कुचल के दर्दनाक मौत मिली है. सर संसार वाले दोषियों कोई भी सही उनकी छानबीन कर उनकी सजा फांसी करो मैं कह रहा हूँ. कोई भी दोषियों में ना कर कौन दोषी है मैंने कहा देखो हमारी बहू बीमार है समझ जाती
सब दुनिया आने जाने मर गई, हमारी बहू बीमार रही, बेटा मेरा नाती, मेरा नाती छठे साल में, मेरे 96 थे भाई और मेरा बेटा छठे साल में, मेरा बेटा भाई वो बता देते मेरे दवाई गोली, मेरा बच्चा भाग परेशान है जाते हो इलाज करा करा के, अब मेरा बेटा ना है, बेटा मेरा लातन तक कुंद के मरा, बेटा मैं मरा मैं जा मेरा भैया मेरा लातन से कुंद के मरा है। और एक हमारी लड़की है 14-15-16 साल की, वो अपाहिज है, विकलांग है, घर में सिर्फ उस वजह से और जाती थी कि वो सही हो जाए, घर की तसल्ली के लिए कि घर में सुख शांति आए, इस वजह से वो जाती थी। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं थी, न तो हमारी बेटी सही हुई, क्योंकि हम खुद 4-5 साल गए हैं माँ के कहने से हमारे, और अपनी बेटी को लेके गए जो विकलांग है, न बोल सकती है न चल सकती है, लेकिन हम 5 बार उसे लेके गए, नहला के लाए, वहाँ दर्शन करा के लेके आए, लेकिन कोई आज तक हमारी लड़की में बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, इस वजह से हमने 2 साल से जाना छोड़ दिया। ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 70 ಹರೆಯದ ಸುನೆಹರಿ ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಂಜುದೇವಿ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗ ಪಂಕಜರನ್ನ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜು ಪತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಜಮೀನ್ ಹೈ ನಾ ಜಾಯದಾದ್ ಹೈ, ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೋ ಪೇ ಮಜ್ದೂರಿ ಹೈ, ತೋ ದೋ ಬಚ್ಚೆ ಮೇರೆ ಪಢಾಯಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಉಸ್ಕಿ ಲಡ್ಕಿಯಾಂ ಭಿ ನಹೀ ಪಢ್ ಪಾಯಿ ಇಸ್ ಗರೀಬಾಯಿ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ, ಮೈನೆ ಮೆಹನತ್ ಮಜೂರಿ ತಮೋ ರಖಿ ಕರ್ಕೆ ಮೈನೆ ದೋ ಬಚ್ಚೆ ಅಪನೇ ಪಢಾಯೆ, ಏಕ್ ವೋ ಬೇಟಿ ಅಭಿ ಕೋಯಿ ರೋಜಗಾರ ನಾ ಹೈ, ತೋ ಯಾ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಕೋ ಕೋಯಿ ರೋಜಗಾರ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ, पड़ा हुआ है कोई चपरासी की भी मिल जाए, और मेरी जब बेटी और मेरे बेटा पढ़ रहा था, मेरी बहू उन्होंने कहती मम्मी जिस दिन हमारी नंद या हमारा देवर कहीं लग जाएगा तो हमको भी कोई सहारा हो जाएगा, तो मैं तो ये कहती हूँ मेरे बेटे को कोई चपरासी की परासी की कैसी भी मेरे घर में या मेरे कोई पढ़ने वाले को एक नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आज पहुँचे तो जाके उन्हें जथल लगाओ, फिर बोले कि मलखान सिंह ले जाओ। अच्छा मलखान सिंह, हम मलखान सिंह लेकर पहुँचे, मलखान सिंह है क्या, उनने एक बोतल चढ़ाई और इंजेक्शन लगा उनके, बोले कि दिन वहाँ ले जाओ मेडिकल, तो हमने उनसे ये बात कही, मैंने ऐसा ऐसा जो कर रहे तुम देख ले, कहीं हमारे पास मशीन नहीं, फिर हम बड़े नई बिल्डिंग में पहुँचे मेडिकल में, तो उनने कहा मशीन से हमारे यहाँ बेचारे ने सब चेकअप करे हमारे, वहाँ जाकर वो दवाई गोली हमारी उन्होंने कर। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.